हेलो फ्रेंड, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओम प्रिया सिंह। आज हम बहुत ही इजी और फास्ट में नाश्ता बनाने जा रहे हैं, जो आप लोग बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं और सुबह शाम के नाश्ते में भी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ। इसके लिए मैंने एक कप बेसन ले लिया है, थोड़ा सा ही हमें बेसन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और सूजी ले लिया है, दोनों बराबर मात्रा में मैंने ले लिया है। और बेसन सूजी बहुत फैलता है, तो इसलिए आप अपना अंदाज से, मैंने छोटे वाले कप से दोनों में एक एक कप लिया है और घोल के उसमें हल्दी नमक डाल के मैंने घोल लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं जड़ डाला है। और उसके बाद हम इसमें छौंक लगाएंगे, तो जो मैंने छौंक लगाने के लिए इसमें हींग थोड़ा सा तेल और उसमें हींग और थोड़ा ही तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे क्योंकि तेल का हमें और भी काम है। तेल, हींग और जीरा डाल के, और मैंने ये छौंक लगा दिया है, उसको डाल के 3 से 4 मिनट पकने में इतनी फैलती है कि बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। इसको सूखे ऐसे ही ड्राई कर लेना है और सूख जाए, लगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक हो गया है, तो गैस का फ्लेम बंद करके और नीचे रख के इसको थोड़ा और चलाना है, अच्छे से चला करके सोख लेना है। ये बिल्कुल आटे की तरह ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल ये आटे की तरह एकदम ठीक हो जाएगी। पर कितनी भी ठीक होगी, ये हाथ में चिपकती है, तो इसको ऐसे खाली हाथ से ना टच करें, हाथ में थोड़ा थोड़ा तेल लगा करके इसको इस तरह से हम लोई बना लेंगे। लोई बना के इस तरह से इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। इसको आप जिस भी आकार में चाहे, मैंने सिर्फ प्याज डाला है इसमें, आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च बारीक काट करके और भी कुछ गाजर वगैरह हो तो काट करके बारीक मिला सकते हैं। और जिस भी आकार में चाहे आप, जब भी चाहे, या फिर खाली भी आप बना सकते हैं और बना करके सेफ में आप रख लीजिए। उसके बाद हम तेल को बिल्कुल हाई फ्लेम करेंगे, इसको लो फ्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको पहले ही हमने पका लिया है, तो इसको कच्चा रहने का सवाल ही नहीं है। तो बिल्कुल हाई फ्लेम करेंगे, लो फ्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे। और एक तरफ से बिल्कुल रेड हो जाए तो दूसरी तरफ से पलटना है, वरना टूटे, क्योंकि ये टूटने लगती है, बहुत ही नरम और ये सूजी खुदरीदार हमारी होती है, तो ये टूटने लगती है। इसलिए इसको बहुत हाई फ्लेम पे और पलट पलट के, लेट लेट से पलट के पकाना है। तो चलिए, हमारी बन के नाश्ता बिल्कुल रेडी है। इसको सॉस के साथ या फिर चाय के साथ आप खा सकते हैं, गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के हमारा रेडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय फ्रेंड, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो फ्रेंड।